शुक्रवार का दिन यानी कि शुक्र ग्रह का दिन, यही दिन माता लक्ष्मी का दिन भी होता है। जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा अधिक समस्याएं रहती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ उन्हें हो नहीं पाता है, जो इच्छा उनकी होती है वह कभी पूरी हो नहीं पाती है, तो इसका संकेत ये होता है कि उनका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जीवन में जो धन की समस्याएं होती हैं वह केवल तभी आती हैं जब शुक्र ग्रह खराब होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी ये मनोकामना है कि आप अपने जीवन में सभी लग्जरी वाली चीज़ों को आकर्षित कर सकें तो वह केवल शुक्र ग्रह की ही कृपा से जीवन में आकर्षित होती हैं। और शुक्र ग्रह को बड़ी आसानी से बलवान भी बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन को तो आकर्षित करता ही है बल्कि लग्जरी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी शुक्र ग्रह की ही कृपा से आती हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, खास करके उसकी नौकरी जो होती है उसे नौकरी में बड़ा ही ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीजें आकर्षित कर ही लेता है। शुक्र ग्रह के ही बलवान होने से सम्मोहन भी और आकर्षण भी बलवान हो जाता है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी से भी अपनी लड़ाई करता रहता है, घर में ग्रह कलेश बनता रहता है और बात बात पर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इसीलिए शुक्र ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सांसारिक सुखों की प्राप्ति केवल शुक्र ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रख रही है कि शुक्रवार का जो दिन होता है वह माता लक्ष्मी का शुक्र ग्रह का दिन होता है। और इस दिन अगर घर की उत्तर दिशा में एक घी का चौमुखी दीपक जलाकर रख दिया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह बलवान बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चौमुखी दीपक आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। केवल इतना कर देने मात्र से भी धन की समस्याएं बिल्कुल दूर होने लग जाती हैं। जब भी जीवन में धन की समस्याएं शुरू होने वाली होती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले शत्रु घेरना शुरू करते हैं, उसके बाद धन की परेशानी शुरू हो जाती है। शत्रु जब घेर लेते हैं तो इससे जीवन में अपमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण धन की परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि शत्रु हो जाने की वजह से दिमाग में तरह तरह के ख्याल और विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मन में शांति नहीं उतर पाती है और जहां पर शांति नहीं होती है वहां पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर शुक्रवार के दिन पूरे घर में लोबान की धुनी दी जाती है तो इससे भी माता लक्ष्मी उस घर की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि लोबान की जो धुनी होती है उसकी जो सुगंध होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर आपके मन में बिल्कुल भी सुख और शांति नहीं बनती है, बिल्कुल भी सकारात्मक ख्याल या विचार आते ही नहीं है, लाख सोचने के बाद भी नहीं आते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन या फिर शुक्रवार से शुरू करके रोजाना लोबान की धुनी अगर आप अपने घर में देते हैं तो इससे मन तो शांत होता ही है और धन आकर्षण के लिए भी ये एक बहुत ही ज्यादा सरल और रामबाण प्रयोग है। केवल लोबान को घर में जला देने मात्र से या फिर जहां पर आपका व्यापार है वहां पर अगर आप लोबान को जलाकर छोड़ देते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी उस जगह की ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। लेकिन बाजार में जो लोबान मिलता है वह बिल्कुल नकली होता है, जिसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप असली लोबान पाना चाहते हैं तो यह आप हमारी संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। लोबान जलाकर आप स्वयं ही देख सकते हैं कि इससे मन को कितनी ज्यादा शांति मिलती है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, लेकिन लोबान को जलाकर अगर आप वहां बैठते हैं तो इससे मन तुरंत ही शांत हो जाता है और जीवन में धन आकर्षण शुरू हो जाता है। खास करके जिस घर में शाम के समय लोबान रोज जलाई जाती है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं कभी भी नहीं हो सकती हैं। इससे मन को भी खूब ज्यादा शांति प्राप्त होती है। अब तीसरी चीज ये है कि शुक्रवार के दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में अवश्य ही खीर बनाया करें और उसमें इलायची, हरी इलायची अवश्य ही डाला करें। और शाम को पूजा करते समय माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन आपको ये भोग लगाना है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का हरी इलायची डालकर भोग लगाता है उसके जीवन में धन की सभी परेशानी मिट जाती हैं। खास करके अगर आपका व्यापार किसी ने बांध दिया हो या फिर कोई बुरी नजर लगाकर आपकी नौकरी यह सभी चीजें बिगाड़ता हो तो इस प्रकार खीर में हरी इलायची डालकर आप भोग लगा सकते हैं और यही खीर फिर अगर आप खाते हैं तो इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और शुक्र ग्रह बलवान बनता है।
खास करके अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो इस प्रकार खीर बनाकर भोग लगाकर सभी लोगों को आपस में मिल बांट कर खानी चाहिए। ऐसा करने से घर में ग्रह कलेश भी बिल्कुल दूर हो जाता है। शुक्रवार के दिन ही अगर बरगद वृक्ष की जड़ में दूध के साथ थोड़ी सी केसर मिलाकर अगर बरगद वृक्ष की जड़ में चढ़ाई जाती है तो इससे भी शुक्र ग्रह काफ़ी ज़्यादा बलवान बन जाता है, जिससे जीवन में लग्जरी की और किस्मत की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों की इच्छाएं होती हैं उनका अपना घर हो, गाड़ी हो, और जितनी भी ये लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं यह केवल शुक्र ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। तो शुक्रवार के दिन अगर बरगद वृक्ष की जड़ में केसर मिला हुआ दूध आप जड़ में चढ़ा देते हैं तो इससे भी बलवान हो जाता है। खास करके अगर आपको प्रेम संबंधों में कोई भी लाभ ना मिल पाता हो तो इसका संकेत यही होता है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है, क्योंकि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है उसे कभी भी प्रेम संबंधों में ना तो लाभ मिल पाता है और ना ही सुकून उसे मिल पाता है। यानी कि प्रेम संबंधों के बाद उसके जीवन में बड़ा ही ज़्यादा परेशानी शुरू होने लग जाती है। तो दोस्तों, जितने भी ये प्रयोग हमने आपको बताए हैं इन्हें करके आप अवश्य ही लाभ उठाएं। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।